कहते हैं कि सूरजमुखी का तेल दिल और लिवर के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपका दिल और लिवर सुरक्षित रखने वाला सूरजमुखी जो उगाते हैं वो हताश होकर जब प्रदर्शन करते हैं तो हरियाणा में आखिर वो लाठी क्यों खाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सूरजमुखी जो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होती, बल्कि सूरजमुखी जिसके बीजों से निकला तेल बॉडी फैट को कंट्रोल करके नागरिकों के स्वास्थ्य को भी सुंदर करता है। सूरजमुखी का तेल जिसके इस्तेमाल से सिर्फ दिल नहीं लिवर को भी हेल्दी रखने का मंत्र और ताकत मिलती है। सूरजमुखी जिसका तेल त्वचा और बालों के लिए सेहतमंद माना जाता है, उसी सूरजमुखी को उगाने वाले देश के किसानों के साथ क्या हो रहा है, इन तस्वीरों में देखिए और सोचिए। जिस सूरजमुखी के तेल को आप अपने घर के पास के किराना स्टोर शॉपिंग मॉल से लाते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो उगाने वाले ये किसान हैं जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन के हाथ को पानी की तेज बौछार करके हटाए जाते हैं। टांग कर पुलिस जिन्हें हिरासत में लेती है, धरना देने से हटाती है। आखिर क्यों देश में सूरजमुखी उगाने वाले किसानों के साथ ये स्थिति मंगलवार को बनी? आखिर क्यों कुरुक्षेत्र से करीब 25 किलोमीटर दूर शाहबाद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर मंगलवार को किसान यूं पुलिस के हाथों हटाए गए, पीटे गए और घसीटे गए? एक छोटी सी मांग को लेकर किसान लगातार कई दिन से मांग कर रहे थे कि जो सरकार ने सूरजमुखी का रेट तय किया है, MSP तय किया है, उस पे जो है सूरजमुखी की खरीद हो, सिर्फ इतनी सी मांग थी। उस मांग को लेकर किसान धरने पर थे। जब सरकार ने बात नहीं मानी, 6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था, GT रोड पर बैठे और फिर सरकार ने लाठियां किसानों पर बांधी गई, तो आज हम धरने पर बैठे हैं और ऐलान किया है जब तक गुरनाम सिंह चडुन्नी जी को हमारे बीच में नहीं लाया जाएगा हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों का दावा है हरियाणा में सरकार सूरजमुखी के बीजों को तय 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर खरीद नहीं रही। इस वजह से किसानों को अपनी उपज 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खुले बाजार में बेचनी पड़ रही, यानी किसान को प्रति क्विंटल 2,400 रुपए का घाटा। किसानों का आरोप है कि सरकार इसके बदले भावांतर योजना में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त मदद को तैयार है, यानी फिर भी किसान को प्रति क्विंटल 1,400 रुपए तक का घाटा। किसानों की मांग है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है तो उसी पर खरीद क्यों नहीं होती? किसान दावा करते हैं कि सोमवार तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया, सरकार ने नहीं सुना, तब जाकर हाईवे पर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले हटने को कहा। आज करीब 12:30 से यहां बैठे हैं, पूरी पब्लिक परेशान है। आपसे अनुरोध है कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये GT रोड खाली कर दे, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी तो पहले से अपनी मांगों को लेकर परेशान चलते किसान आक्रोशित हो गए, ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़े, स्थिति तनाव भरी हो गई, लाठी चली तो अब किसान नेता आगे की रणनीति तय करने लगे। रणनीति अभी सब लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और लाठीचार्ज ठीक हो जा करे। ये देश में MSP पे पहला लाठीचार्ज है, ये पूरे देश में MSP की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन MSP पे करना पड़ेगा। सड़क जाम करना, हाईवे जाम करना, ये गलत है। हाई कोर्ट ने भी ऐसा ना होने देने के निर्देश दिए, लेकिन सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों आती है जब किसान को सूरजमुखी के लिए सरकार ने 6,400 रुपए प्रति क्विंटल का दाम तय किया तो फिर उसी के मुताबिक खरीद क्यों नहीं होती है?